हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। माय नेम इज इंजीनियर डीएन रॉय, एक्स फैकल्टी ऑफ सुपर 30 एंड माय मिशन इज टू प्रोवाइड एब्सोल्युटली फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। एंड इस मिशन में आप लोग को सपोर्ट करना है, बिकॉज मेरा मानना है कि एटलीस्ट YouTube पे तो एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन होना ही चाहिए, सो दैट हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुश्किल से अपना महीने का नेट पैक भरवा पाते हैं, तो एटलीस्ट एजुकेशन ऑनलाइन तो कम से कम एटलीस्ट फ्री ही होना चाहिए। तो इसी मिशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसके लास्ट वीडियो में हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इस टाइप के फार्मूले बताए थे। एंड दोज फार्मूले आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। वॉट इज साइन रूल, वॉट इज साइन रूल, एंड लेट दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल, एंड लेट दिस इज द ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल, एंड लेट दिस एंगल इज ए and this angle is C and this angle is B. This is the triangle, ABC is the triangle, and this angle is capital A, this angle is capital B, and this angle is capital C. And opposite to this angle, length of this side let A, and opposite to this angle let this side is C, and opposite to this angle let this side is B. A angle के opposite side को हमने A मान लिया, एंड सी एंगल के अपोजिट साइड को हमने सी मान लिया, एंड बी एंगल के अपोजिट साइड को हमने बी मान लिया। ओके, तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है, साइन रूल कहता है क्या कहता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो ए ओवर लेंथ ऑफ दिस साइड, लेंथ ऑफ दिस साइड, ए इज द लेंथ ऑफ बी सी, ए इज द लेंथ ऑफ बी सी, ए ओवर साइन ऑफ दिस एंगल, ए ओवर साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल होगा बी ओवर साइन ऑफ दिस एंगल साइन बी। ओके, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, वेरी सिंपल, दिस इज द साइन रूल, दिस फार्मूला इज कॉल्ड द साइन रूल। बहुत सिंपल है, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, दिस इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल सी, दिस इज द एंगल बी। ओके, एंड अपोजिट टू दिस एंगल ए लेट अ स्मॉल ए, दिस साइड, दिस लेंथ ऑफ साइड इज अ स्मॉल ए, एंड अपोजिट टू दिस एंगल this length of side is small b, and opposite to this angle this side is a small c. So sine rule state that sine rule, according to sine rule, this side a over sine a, this side c over sine c, and b over sine b, a equal honge. Okay, suppose that isi mein angle given hai, side given nahi hai, एंड साइड हमें फाइंड करना हो, तो इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं। ओके, इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज दैट ए गिवन है, एंगल स्मॉल है, लेंथ ऑफ दिस साइड गिवन है, एंड साइड गिवन है, सॉरी साइड ए गिवन है, एंगल गिवन है, सपोज दैट 60 डिग्री, एंड बी गिवन है, एंगल बी फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, दिस इज द साइन रूल। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखिए, समझिए, सपोज दैट दिस इज द
ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट दिस लेंथ इज 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 3 एंड दिस इज द 5 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड लेट दिस ट्रायंगल इज ए बी सी. फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल. हाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल? दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इन विच साइड्स आर गिवेन, साइड्स आर गिवेन 3, 4, 5. एंगल ए क्या होगा? व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ ए? एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? एंड व्हाट वुड बी द एंगल बी? एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? ओके, तो सो सिंपल, साइन रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे अप्लाई कीजिए, क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 3 over साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल. दिस लेंथ इज 3 मीटर और 3 सेंटीमीटर, वॉट एवर, दिस इज द 3 over साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल. साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इज साइन बी, इज साइन बी इज इक्वल टू 4 over साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल. ये 4 का अपोजिट एंगल साइन ए हो गया. इज इक्वल टू दिस साइड 5 over साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल साइन सी. ओके, साइन सी एंड हेयर यू कैन सी सी इज द एंगल बी, वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ए, वी हैव टू कैलकुलेट एंगल सी इज गिवेन 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री. तो एंगल ए बी एंड ए लाना है, तो क्या कर देंगे हम, इसको इक्वेट कर देंगे. देखिए कैसे, 4 over साइन ए इज इक्वल टू 5 over साइन सी. ओके, वी कैन इक्वेट दिस टर्म एंड दिस टर्म, वी कैन इक्वेट दिस टर्म एंड दिस टर्म, 4 over साइन ए, 4 over साइन ए इज इक्वल टू 5 over साइन सी. ओके, एंड साइन सी, हियर यू कैन सी साइन सी इज गिवेन, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री. ओके, देन टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 into एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आगे हम बताएंगे भी कैसे 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 4 into चलिए इसको इधर नीचे लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, 4 into साइन 90 इज इक्वल टू 5 into साइन ए. ओके, नाउ 4 into साइन 90 इज 1, 5 into साइन ए, फ्रॉम हियर साइन ए इज इक्वल टू 4 over 5 आ गया. साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, 4 over 5. ओके, तो साइन ए का वैल्यू 4 over 5 आ गया, तो 4 over 5 आ गया, तो कितने का वैल्यू 4 over 5 होता है, यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल साइन 53 डिग्री होना चाहिए. ओके, आगे बताएंगे हम क्यों 53 होना चाहिए, 53 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आप सिंपली इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं, दैट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू 4 over 5, तो ए इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 4 over 5, दैट इज द आंसर. कैलकुलेटर में इसको फीड करेंगे, ए इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 4 over 5, तो 53 आ जाएगा. ओके, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया, एंगल ए का वैल्यू 53 डिग्री आ गया. मेक श्योर एवरीथिंग इज विजिबल, सब कुछ दिख रहा है, यस एवरीथिंग इज विजिबल, यस राइट नाउ ए इज इक्वल टू 53 डिग्री आ गया, 53 डिग्री आ गया. ओके, आप इन्वर्स में भी लिख सकते हैं, लाइक कैसे इन्वर्स में, मीन्स वॉट, देखिए इन्वर्स में भी आप लिख सकते हैं,
क्या कहना चाह रहा है, हम कहना चाह रहे हैं सपोज दैट साइन ए इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 4/5 है ना, तो ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5, दिस इज द आल्सो आंसर. ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ओके यू कैन राइट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ओके. तो साइन रूल समझ में आ गया, कोई ट्रायंगल है तो साइन रूल वी कैन राइट ए ओवर साइन ए, दिस साइड ओवर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस एंगल साइन में इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ दिस एंगल, ओके दिस इज साइन रूल, दिस इज द बेसिकली साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल, दिस इज द साइन रूल, ओके. आई होप समझ में आ गया व्हाट इज साइन रूल. तो एंगल ए हमने निकाल लिया, एंगल बी कैसे निकालेंगे, एंगल बी कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे ना इस टर्म को एंड इस टर्म को इक्वेट कर देंगे, इस टर्म एंड इस टर्म को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी का वैल्यू आ जाएगा. हाउ यू कैन सी, कैन सी 3/ साइन बी, 3/sin b इज इक्वल टू 5/sin c, 5/sin c, ओके. तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 3 × sin c, साइन सी इज इक्वल टू 5 × sin b, 5 × sin b, हाउ 3 × यू कैन सी साइन एंगल, एंगल सी या सिंपली सी इज इक्वल टू 90 degree, दिस एंगल इज 90 degree, सो यू कैन राइट साइन 90 इज इक्वल टू 5 × sin b, यहाँ से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हैं. बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे जब हम चैप्टर्स में आएंगे एंड SC वर्मा का न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें भी यूज करेंगे एंड प्रीवियस ईयर्स IIT नीट का प्रॉब्लम करेंगे उसमें भी हम यूज करेंगे. तो इसलिए हम पहले बता देते हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम कहीं भी ना हो. 3 × वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1/5, वैल्यू कैसे 90 है वो भी एक वीडियो में हम आपको बताएंगे. तो क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स 3/5, तो यू कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके. जब बी निकालते हैं एंगल ना तो इधर साइन इनवर्स हो जाता है, इसको बोला जाता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन रेस टू द पावर -1, साइन इनवर्स 3/5 एंड इट्स वैल्यू इज 37 degree, आप याद रख सकते हैं, ओके. एंड जो अभी हमने ट्रायंगल बनाया उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्पेशल ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज वेरी वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है. दैट्स वाई इस ट्रायंगल को हम लर्न रखेंगे, याद रखेंगे, रट ही लेंगे, इस ट्रायंगल को रट लेंगे. कैसे रटना है थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता देते हैं, कैसे इसको रटना है, कैसे इस ट्रायंगल को रटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके. एंड देखिए यू कैन सी दिस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है लाइक दैट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओके. एंड हाइपोटेनियस को 5 मान लेना, हाइपोटेनियस को 5 मान लेना, ओके. हाइपोटेनियस इज 5 एंड इन दोनों साइड्स में से जो भी आपको बड़ा दिखे, चाहे ये साइड दिख सकता बड़ा चाहे ये वाली साइड दिख सकता, उसको आप 4 मान लेंगे, 4 ही 4, जो थोड़ा सा छोटा दिखे उसको 3 मान लेना, सॉरी 3 मान लेना, 3, ओके. ऐसा कुछ हो गया एंड लेट दिस ट्रायंगल इज ABC, कुछ भी मान सकते हैं ना हम, ABC ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, ओके. तो 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यू कैन सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर स्क्वायर ऑफ 3 + 4 स्क्वायर ऑफ 4 5 आ जाएगा ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड दिस इज ऑब्वियसली 90 degree एंड 4 साइड 4 के अपोजिट एंगल 53 degree होता है, साइड 4 के अपोजिट एंगल 53 degree होता है,
साइड फोर के अपोजिट एंगल 53 होता एंड साइड थ्री के अपोजिट एंगल क्या होता 37 डिग्री होता। जिस साइड का लेंथ ज़्यादा होगा उसका अपोजिट एंगल भी ज़्यादा होगा। इट्स वेरी सिंपल, देखिए सोच के देखिए, ये एंगल है तो यहाँ पे एक लेंथ है ऐसे लाइक दैट है, लाइक दैट एक ऐसे आर्क लेंथ है जो कुछ भी बोलिए, तो ये आर्क लेंथ कम हो तो एंगल भी कम होगा। जैसे आर्क लेंथ ऐसे बढ़ेगा, ये साइड ऐसे बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा ना। तो ये साइड बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल बड़ा है एंड ए साइड छोटा है 3 है तो इसका अपोजिट एंगल भी छोटा है 37 डिग्री। तो याद रखेंगे दिस इज कॉल्ड स्पेशल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हमने बोला स्पेशल ट्राइंगल, बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। दिस इज कॉल्ड स्पेशल ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल। एक कैसे यूजफुल होगा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सपोज दैट आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते ऐसा कुछ आ गया साइन थीटा या साइन सी साइन डी कुछ भी, साइन थीटा इज इक्वल टू लाइक 4y5 आ गया, तो थीटा का वैल्यू क्या लिख देना है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 4y5 आ गया, 4y5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4y5 दैट मीन्स साइन थीटा क्या होता, साइन थीटा एक्चुअली क्या होता है देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने बताया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बताया था। दैट मीन्स 4 क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड 5 तो हाइपोटेनियस है ही, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, साइन थीटा का वैल्यू होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दैट मीन्स दिस मस्ट बी थीटा, दिस वुड बी थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, सपोज दैट आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया एंड एंगल फाइंड करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, अब परपेंडिकुलर 3 हो गया एंड हाइपोटेनियस तो ऑलवेज 5 ही होगा, दैट मीन्स साइन थीटा, दिस वुड बी थीटा बिकॉज साइन 37 लिखेंगे ना, तो परपेंडिकुलर 3/5 बिकॉज परपेंडिकुलर क्या होता, जो भी आप एंगल कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट। तो एंगल हेयर एंगल मस्ट बी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 37 डिग्री हो गया। सपोज दैट आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते करते साइन थीटा नहीं कॉस थीटा आ गया, लाइक दैट कॉस थीटा आ गया, और आता ही है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करेंगे फिजिक्स का ना, तो इस टाइप के वैल्यू आ जाते हैं। सपोज दैट कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया 3/5 आ गया, 3/5 तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता बेस ओवर हाइपोटेनियस। ओके, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का एंड सपोज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया, राइट 3/5 तो कॉस थीटा, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 3 को बेस होना चाहिए और 5 को हाइपोटेनियस होना चाहिए, 3 बेस और 5 हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होता बेस दैट मीन्स दिस शुड बी एंगल, ये एंगल 53 होगा ना, तभी बेस क्या होगा 3 होगा और ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए 4 तो परपेंडिकुलर हो गया, इस एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इस एंगल का अपोजिट साइड 4 है दैट वुड बी परपेंडिकुलर, तो इस एंगल का बेस क्या हो गया ऑब्वियसली 3 होगा, 3/5 दैट मीन्स एंगल इज 53 डिग्री आ गया। इस टाइप से टैन में भी आ सकता है, सपोज दैट आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एंड टैन थीटा इज इक्वल टू लाइक दैट 4/ क्या आ गया 3 आ गया, तो थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, कैसे लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता, दैट मीन्स 4 को परपेंडिकुलर बनाना है एंड 3 को बेस बनाना है, तो 4 परपेंडिकुलर किस एंगल के लिए होगा 53 डिग्री के लिए, 4 परपेंडिकुलर होगा 3 बेस होगा एंड 37 डिग्री के लिए 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड 4 क्या हो जाएगा बेस होगा, दैट मीन्स ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, 4 को परपेंडिकुलर बनाना है, दैट मीन्स एंगल वुड बी 53 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। नाउ सपोज दैट टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू लाइक 3/4 आ गया, लाइक दैट, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फ्रॉम हियर थीटा क्या होना चाहिए
टेन थीटा आप सॉल्व कर रहे हैं, टेन थीटा इजकल टू 3/4 आ गया, टेन थीटा इजकल टू 3/4 आ गया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। नाउ 3 वुड बी परपेंडिकुलर एंड 4 वुड बी बेस, तो 3 को परपेंडिकुलर बनाना है एंड 4 को बेस बनाना है, तो 3 परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए होगा, बिकॉज एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल क्या हो गया, 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आपसे आंसर मैच ही नहीं होगा। ओके, तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, एंड अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, एंड फिर भी कहीं मिस्टेक लग रहा है आपको या बाई मिस्टेक कहीं कैलकुलेशन अगर हमसे भी होगी हो गया होगा, हो सकता है गलती किसी से भी हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, उसको हम सुधारेंगे। ओके, नाउ साइन रूल तो समझ में आ गया होगा, नाउ मूव टू द कोसाइन रूल। व्हाट इज कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। ओके, इस वीडियो को देखिए भी एंड शेयर भी कीजिए। ओके, शेयर करते रहना, फॉरवर्ड करते रहना, लाइक करते रहना, सो दैट इस जो मिशन है इसको हम लोग पूरा करें, हम लोग लोगों को दिखा दें कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाई होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं, अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, जब वो अच्छे लेवल में पहुंच जाते हैं तो फिर यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर देते हैं और फिर अपना ऐप बना लेते हैं और फिर उस ऐप में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों से फी लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम समझते हैं ऐसा हम नहीं करेंगे, आई प्रोमिस यू कि ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। जब तक हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ाएंगे, कोई कुछ ऐप नहीं बनाएंगे, एंड ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो बना दिए तो बस बना दिए, नहीं, हर एक साल हर एक सेशन में वीडियो बनाएंगे, हर एक सेशन में, बिकॉज हर एक बार वीडियो बनाएंगे तो कुछ नया एक्स्ट्रा बनाएंगे। ओके, नहीं तो एक बार वीडियो बना के छोड़ देंगे तो फिर वही वीडियो चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं होने देंगे, हम हर एक सेशन में न्यू वीडियो बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे। ओके, सो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोवाइड एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन ऑन द यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब पे जितने भी एजुकेशन का बिजनेस करने वाले हैं उनको एक मैसेज जाए कि भाई यूट्यूब पे तो कम से कम फ्री हो, सो दैट हमारे कंट्री के गरीब से गरीब बच्चा भी अगर पढ़ना चाहता है, रियली में अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सके। ओके, एंड बस आगे पढ़ते हैं कोसाइन रूल। व्हाट इज़ द कोसाइन रूल, देखिए व्हाट इज़ द कोसाइन रूल। सपोज दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंड लेट दिस एंगल इज ए एंड लेट दिस एंगल इज सी, लेट दिस एंगल इज बी, एंड अपोजिट ऑफ दिस एंगल इट्स साइड लेंथ इज ए एंड अपोजिट ऑफ दिस एंगल इट्स साइड लेंथ इज सी स्मॉल सी एंड अपोजिट ऑफ दिस एंगल इट्स साइड लेंथ इज बी। इस लेंथ को हमने ए मान लिया, इस लेंथ को सी मान लिया, इस लेंथ को बी मान लिया। ओके, मानने का कुछ भी मान सकते हैं, होगी। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, व्हाट इज कोसाइन रूल, कोसाइन रूल देखिए क्या कहता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आप देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जब हम पढ़ाएंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो वहाँ पे हम कोसाइन रूल का यूज करेंगे। ओके, एंड एनसीईआरटी में कोसाइन रूल से ही बनाया गया है, हम दो मेथड से बनाएंगे, कोसाइन रूल से आपको बताएंगे जो कि थोड़ा बड़ा है फिर भी उसका एप्लीकेशन तो समझ में आएगा, एंड एक और दूसरा भी मेथड है उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोसाइन रूल क्या कहता है, व्हाट इज कोसाइन रूल, कोसाइन रूल कहता अगर आप इस एंगल को कॉस थीटा में लिखना चाहते हैं, दैट मीन्स यू वांट टू राइट कॉस ए अगर आप लिखना चाहते हैं, कॉस ए अगर आप लिखना चाहते हैं, तो इस एंगल को बनाने वाला साइड बी एंड सी है। ओके, बी एंड सी आर द साइड्स विच फॉर्म्स दिस एंगल, साइड बी एंड सी, दैट मीन्स यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड फॉर्म्स दिस एंगल। तो क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देना है। ओके, एंड अपोजिट साइड को स्क्वायर करके माइनस कर देना है। ओके, एंड ओवर क्या कर देना है, ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी, ट्वाइस ऑफ एंगल
ट्वाइस ऑफ एंगल फॉर्मिंग साइड्स, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगल फॉर्मिंग साइड्स। ओके, तो कुछ आया समझ में आपको? कॉस ए लिखना है ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में, आप दूसरे ढंग से इसको प्रूव करेंगे, बट इसको याद रखने के लिए, लर्न रखने के लिए ये मेथड आपको बता रहा है। देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस ए लिखना है, कॉस ए लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस एंगल को बनाने वाला साइड बी एंड सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी। कॉस ए का फॉर्मूला आ गया, कॉस ए का फॉर्मूला आ गया। सेम एज कॉस बी अगर हम लिखना चाहेंगे, कॉस बी लिखना चाहेंगे, कॉस बी, बी बी इज हियर, कॉस बी लिखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, कॉस बी, सोचिए अपने मन में, कॉस बी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए कॉस बी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ क्या लिखेंगे, ए सी, ओवर ट्वाइस ऑफ ए सी। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखा जाता, ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो देखिए लास्ट एक एंगल और लिख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा जैसे दो एंगल हमने लिखा, देखिएगा बहुत ही सिंपल है, साइन रूल को साइन रूल हैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। नाउ देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, साइन 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 भी हो गया, साइन सी लिखना है, साइन सी लिखना, साइन सी लिखना, ओके, तो साइन सी लिखना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, इस एंगल को बनाने वाले साइड्स बी एंड सी है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, इस एंगल सी को बनाने वाला साइड्स बी एंड ए, एंगल सी को बनाने वाला साइड्स बी एंड ए है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, माइनस एंगल सी का अपोजिट साइड को स्क्वायर करके घटा देना है, माइनस ऑफ सी स्क्वायर लाइक दैट ओवर कर देना है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगल फॉर्मिंग साइड्स, इस एंगल को बनाने वाला साइड्स को प्रोडक्ट करके लिख देना है बी इंटू ए, सॉरी साइन सी लिख दिए, कॉस सी होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, कॉस सी होगा, कॉस सी नॉट साइन सी, कॉस सी, कॉस सी इजकल टू क्या होगा, कॉस सी इजकल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ बी ए, ओवर ट्वाइस ऑफ बी ए, सो सिंपल। ओके, अब इसमें देखिए सपोज दैट ए साइड्स सारे गिवन है और एंगल हमें फाइंड करना है, ए साइड्स सारे गिवन है एंगल हमें फाइंड करना है, एज़ फॉर एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल ए राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट दिस इज द फाइव, दिस इज द फोर एंड दिस इज द थ्री एंड दिस इज द राइट एंगल एंड ए एंगल हमें फाइंड करना है, ए बी सी, ओके, दिस एंगल, ए एंगल फाइंड करना है, तो कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिए, स्क्वायर ऑफ थ्री प्लस स्क्वायर ऑफ फाइव माइनस स्क्वायर ऑफ फोर ओवर कॉस ए को लिख रहा है ना, कोसाइन ऑफ दिस एंगल लिख रहा है ना, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस इट्स अपोजिट साइड का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ, ओवर ट्वाइस ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव, इजंट इट, थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन ओवर थर्टी, ओवर क्या हो गया थर्टी, फर्दर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एटीन, एटीन हो जाएगा ना, एटीन ओवर थर्टी एंड थ्री से कैंसिल हो जाएगा एंड थ्री, एंड थ्री बाई फाइव आ गया, थ्री बाई फाइव, कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया, थ्री बाई फाइव, थ्री ओवर फाइव आना भी चाहिए, सोच के देखिए कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस सेटिस्फाई हो गया ना, थ्री ओवर फाइव आ गया। ओके, अगर आप इस एंगल को लिखना चाहते हैं कॉस बी को, तो कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, फोर ओवर फाइव आना चाहिए इस फार्मूले से, इस फॉर्मूले से भी आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट मीन्स अगर सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स दिस फार्मूला इज करेक्ट। ओके, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, नॉट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं, बट रेशियो फार्मूला लगा सकते हैं, बट अगर किसी भी टाइप के ट्रायंगल है तो उसमें
रेशियो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, ये ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है, बट साइन रूल कोसाइन रूल किसी भी टाइप ऑफ ट्राइंगल के लिए वैलिड है। ओके तो देखिए आप सपोज दैट कॉस बी फाइंड करना चाहते हैं, कॉस बी तो डायरेक्ट फाइंड कीजिए, कॉस बी एंगल फॉर्मिंग साइड का स्क्वायर करेंगे 16 + 25, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका अपोजिट का स्क्वायर 9 हो गया, ओवर ट्वाइस ऑफ एंगल फॉर्मिंग साइड, तो 5 × 4 = 20 और 2 × कितना हो गया 40 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 में से हो गया 16, 16 दूनी 32, 32 ओवर 40 40, तो कितना आ जाएगा, यू कैन सॉल्व इट 4/5। ओके 4/5 आना चाहिए ना, कॉस बी इजकल टू 4/5 आना चाहिए, दैट मीन्स करेक्ट। आई होप आपको साइन रूल कोसाइन रूल समझ में आ गया होगा। एंड टाइम कितना हो गया, कितने टाइम का वीडियो बन गया, ओके 31 मिनट्स का बन गया, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, हीरोज फार्मूला पे चर्चा करेंगे, एंड आफ्टर दैट साइन 30, साइन 45, साइन 120 डिग्री, साइन 150 का वैल्यू कैसे फाइंड करते उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए, मीन्स शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।